हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे स्क्रू टाइप नोज पिन को रिमूव कर सकते हैं और वियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा मैं हमेशा नोज पिन वियर करती हूँ, बट मैंने आज निकाली हुई है क्योंकि आज की वीडियो में मैं इसे वियर करके और रिमूव करके दिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, बहुत ही इजीली आप रिमूव कर सकते हैं और वियर कर सकते हैं। कई लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है स्क्रू टाइप नोज पिन वियर करने में, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। वैसे आज मैं आपको बताऊंगी आप खुद से ही इजीली वियर कर पाएंगे और रिमूव भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं पियर्सिंग से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुकी हूँ, तो अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। पियर्सिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इन चारों वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आपको पियर्सिंग बम है या फिर आपने अभी अभी पियर्सिंग कराई है तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि आप कैसे केयर करें पियर्सिंग के बाद, या फिर अगर आपको पियर्सिंग बम हो जाता है तो आप कैसे क्योर करें। और दोस्तों, अगर आपको पियर्सिंग इन्फेक्शन है तो आप पार्ट 2 देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपको पियर्सिंग बम्प है या फिर पियर्सिंग कैलॉइड है तो उसके लिए आप पार्ट 3 देख सकते हैं। सो गाइस, आपके काफ़ी सारे डाउट थे पार्ट 1, 2, 3 देखने के बाद, तो उन सारे डाउट को मैंने पार्ट 4 में क्लियर किया है। साथ ही मैंने नोज पियर्सिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है इन द पार्ट 4। तो मैंने ब्रीफली आपको हर पार्ट के बारे में बता दिया, तो आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। वैसे अगर आपने न्यूली पियर्सिंग कराई है तो आप चारों पार्ट देख लीजिए, आपको आपकी पियर्सिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड फ्रेंड्स, सारी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आप मेकअप में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी मेकअप वीडियोस भी देख सकते हैं। सो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इजीली स्क्रू टाइप नोज पिन वियर कर सकते हैं। सो आप ये देख सकते हैं, ये मेरी नोज पिन है, बहुत ही छोटा साइज है, मैं छोटा साइज ही वियर करती हूँ। तो इससे इस तरह से हम ओपन कर लेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, इस तरह से इसे ओपन कर लिया है। और अगर आपकी न्यू पियर्सिंग है तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए। न्यूली पियर्सिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप चाहें तो यहाँ पर इस एरिया पर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं या फिर वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं। हम इस तरह से यहाँ पर आपके जो आपको विजिबल होगा, यहाँ पर मेरा पियर्सिंग होल है, तो आपको क्या करना है, इस होल में इसे डालना है। आप देख सकते हैं ये होल में चला गया। अब इसे आपको क्या करना है, इस तरह से ऊपर से प्रेस कर देना है। अब दोस्तों, मेरी पियर्सिंग को तो काफ़ी टाइम हो गया है, बट आपकी पियर्सिंग अगर न्यू है तो मे बी आपका इतनी ईजिली ये अंदर ना जाए, तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, आपको इस तरह से रोल करते हुए अंदर को करना है, तो ये ईजिली नीचे को चला जाएगा। और पहले आप ऑयल अप्लाई कर लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको इस तरह से प्रेशर ना करके इस तरह से रोल रोल करते हुए अंदर को डालना है। अगर आपकी न्यूली पियर्सिंग है या फिर आपका पियर्सिंग होल जो है काफ़ी छोटा है, अभी नया नया है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, आपने वियर कर लिया, उसके बाद आपको ये इस तरह से करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं नीचे से हमें दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा सा टाइम लगता है नीचे से डालने में, पर आप अंदाजे से करके डाल सकते हैं। फिर आप इस तरह से फिंगर रख के ऊपर नीचे इस तरह से प्रेस कर दीजिए अच्छे से, इस तरह से प्रेस कर दीजिए ताकि ये अच्छे से लग जाए निकले ना। तो आप देख सकते हैं कितनी ईजिली मैंने ये नोज पिन वियर कर ली। तो आप भी वियर कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपने नई नई पियर्सिंग कराई है, आप फर्स्ट टाइम चेंज कर रहे हैं, तो आप मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी ईजिली मैंने स्क्रू टाइप नोज पिन को वियर कर लिया है। आई होप आप इजीली वियर कर पाएंगे। अब फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए आप देख लेते हैं कि इसे रिमूव कैसे करना है। सो जैसे इजीली हमने वियर किया है वैसे ही इजीली हम इसे रिमूव भी कर लेंगे। आपको इन 2 फिंगर्स का यूज़ करना है, इन 2 फिंगर्स को ऊपर रखना है और इन 2 फिंगर्स को नीचे, और इस तरह से आपको पकड़ लेना है।
वो गिर गया। तो इस तरह से आपको खींच लेना है तो ये निकल जाएगा, और आपको केयरफुल रहना है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, तो आप किसी ऐसी जगह पर हों ताकि गिरे तो ईजिली मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी ईजिली रिमूव हो गया। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, बट ईजिली आप खुद से भी कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, आप अपनी नोज पिन को काफ़ी लंबे टाइम तक चेंज नहीं करते, वियर करके रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है एक दूसरे में। तो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना है, आपको ईजिली इसी तरह से जैसे मैंने निकाल कर दिखाया है इसी तरह से आपको अपनी नोज पिन को रिमूव करना है। और दोस्तों, एक और तरीका है जो कि आपको किसी ने नहीं बताया गा, बहुत ही आसान तरीका है, भी अच्छा तरीका है, और आप इजीली उससे अपनी नोज पिन को रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड के लिए आपको थ्रेड चाहिए जो कपड़े की सिलाई में यूज़ किया जाता है, इजीली आपको मिल जाएगा। थ्रेड को आपको क्या करना है, इस तरह से करके यहाँ पे बांध लेना, और ऐसे ही आपको नीचे भी बांध लेना है। और बांधने के बाद आपको इसको नोज पिन को नहीं पकड़ना है, थ्रेड को जहाँ से बांधा है उसके पास से इस तरह से पकड़ना है और फिर इस तरह से खींचना है। सो इससे आपकी नोज पिन खोएगी भी नहीं। कई बार हम इस तरह से ओपन करते हैं तो गिर जाता है, तो इसलिए आप ये थ्रेड वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। एयरसिन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप वो चारों पार्ट्स देख लीजिएगा, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।